करके मैं जहीद के बारे में बोलना चाहूंगी, नोटबुक मुझे बहुत 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 अच्छी लगी नोटबुक, और खास करके मैं जहीद के बारे में बोलना चाहूंगी, क्या चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस दी है जहीर ने। मुझे नोटबुक काफ़ी पसंद आई, जैसे कि सबका होता है स्कूल में छोटा शिद्दत वाला प्यार, आपको इस मूवी से एक नोटबुक से एक कपल दिखेंगे जो आपको एंटरटेन करने को आ रहे हैं। फिल्म एक बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी क्यूट लव स्टोरी आप कह सकते हैं इस फिल्म को, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही रियलिस्टिक टाइप की फिल्म है। सलमान खान फिल्म की पेशकश थी तो लगा था कि कुछ ज़रूर अच्छी बात होगी, तभी सलमान सपोर्ट करते हैं, जैसे उन्होंने चिल्लर पार्टी को किया था और चिल्लर पार्टी को नेशनल अवार्ड भी मिल गया था। तो ये फिल्म भी बड़ी खूबसूरत है, कश्मीर के बैकड्रॉप पे है, तो थोड़ा सा जो वहाँ का माहौल है उसको लेकर कहानी चलती है। सिंपल सी कहानी है लेकिन बहुत सिंपलिसिटी में भी डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन प्ले अच्छा है, कहानी कुछ बिल्कुल अलग सी है, अनप्रिडिक्टेबल। फिल्म बहुत अच्छी लगी, फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि हम किसी गलत चीज़ को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हम उसे जबर के साथ या ज़बरदस्ती के साथ भी करते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है मोहब्बत का, लोग अगर मोहब्बत से करें तो बहुत सी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ सही राह पर आ जाती है। इट्स अ गुड फिल्म, फिल्म जो है बहुत शौक से प्रेम से बनाई गई है, इसका आर्ट डायरेक्शन टेक्निकली बहुत बढ़िया बनाई हुई फिल्म है, सिनेमेटोग्राफी इज़ एक्सलेंट वर्ल्ड क्लास, और डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेज भी बहुत बढ़िया हैं, और स्क्रीन प्ले बहुत शौक से प्रेम से डेवलप किया गया है। जहीर ने एक मैजिक है उनकी आंखों में, मतलब जिस तरीके से वो स्क्रीन पर पोर्ट्रे हो रही थी, लगा ही नहीं कि वो डेब्यूटेंट है। प्रनूतन भी इतनी ज़्यादा सिंपलिसिटी से फिरदौस का कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया कि उनको प्रनूतन बुलाने का दिल ही नहीं कर रहा है, उनको फिरदौस टीचर ही बुलाने का दिल कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स है कबीर सर और फिरदौस टीचर, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पहचान बन जाएंगे। वेल, कोई नहीं कह पाएगा उनकी एक्टिंग देख के कि वो लोग की ये पहली पिक्चर है, बिकॉज जिस तरीके से आप उनको देखोगे काफ़ी अच्छा वो लोग ने एक्टिंग की है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये पहली बार ये लोग एक्ट कर रहे हो। और इसके अलावा भी कहीं ना कहीं मैं जहीर से ज़्यादा यू नो इम्प्रेस हुई हूँ देन कंपैरेटिवली प्रणोतन। प्रणोतन ने भी काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन जो स्क्रीन स्पेस और जो एक्टिंग मुझे जहीर की लगी, आई एम श्योर लाइक ये बंदा बहुत आगे जा। जहीर इकबाल एंड प्रणोतन की दोनों ही बहुत ही डेब्यूटेंट हैं, पहली फिल्म है दोनों की, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। जिस तरह की दोनों प्रणोतन ने भी बहुत अच्छा किया, वो लड़का जो जहीर बना था वो भी बहुत, दोनों के दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा था, ठीक था, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना बेहतर वो लोग कर पाएंगे, लेकिन मुझे प्रणोतन और जहीर इकबाल की एक्टिंग ठीक है, मुनासिब है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी वो फर्स्ट टाइमर है या अभी शुरू किया है उन्होंने, ठीक है, एवरेज है, अच्छी है एक्टिंग। आप मुझे बहुत ग्रिपिंग, बहुत एंटरटेनिंग लगा, जो जोक्स है, जो छोटे छोटे यू नो पंचेज है, वो आपको कहीं ना कहीं हंसाएंगे। सेकंड हाफ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसे दो तीन सीन्स ऐसे कट चॉप हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। गाने मूवी के काफ़ी अच्छे हैं, जो सबसे पहला सॉन्ग है जो सफ़र, वो गाना कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही ना लोग खुद को कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से किसी की जर्नी होती है, किसी का सफ़र होता है। तो इसके बाद जो भूमरो गाना है वो लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज सबको यू नो याद हो जाएगी जम्मू कश्मीर की, जब मूवी की बात करें और भूमरो गाना ना हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो गाने वाने सब बहुत ही अच्छा है, लोकेशन कश्मीर है, तो इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। सुपर्ब डायरेक्शन है, बिकॉज कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक लिंक टूट रहा है, या दोनों थ्रू आउट ना एक्टर और एक्ट्रेस दोनों फ्रेम में एक साथ नजर कहीं पर नहीं आए, लेकिन फिर भी थ्रू आउट द फिल्म एक बंधा, मतलब आप फिल्म से जुड़ा हुआ फील करेंगे थ्रू आउट, कहीं पर भी छूटा नहीं कनेक्शन। और वो एक डायरेक्टर की सबसे अच्छी खास बात होती है कि वो ऑडियंस और फिल्म का कनेक्शन थ्रू आउट बना के रखे, तो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था। गाने, अरे गाने तो सारे अच्छे हैं, भूमरो मुझे बहुत पसंद आता है, थोड़ा सा जब कुछ पुराने गाने ऐड हो जाते तो और फील अच्छी आ जाती है, लेकिन भूमरो के अलावा जितने भी सॉन्ग्स हैं अगर मैं बात करूँ तो सारे ही सॉन्ग्स इमोशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और ऑल्सो जितने भी गाने हैं वो सिचुएशनल सॉन्ग्स है कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन तक जा रहे हैं गाने, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट थ्रू आउट बना के रखते हैं गाने, तो गाने भी बहुत अच्छे हैं। मेरा फेवरेट है लैला मजनू। सारी लव स्टोरी आपने जो देखी बहुत ही अनयूजुअल सी लव स्टोरी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी, स्वीट क्यूट लिटिल लव स्टोरी है। कहीं कहीं पर फिल्म आप देख सकते हैं कि मैसेज देने की कोशिश की गई है एक्चुअली कि कश्मीर में कुछ ऐसे हालात हैं
بچے کے ایجوکیشن پہ انہوں نے کافی فوکس کیا ہے کہ بچے کا ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کو برین واش کیا جا سکتے, وہ غلط جگہ پہ جا سکتے, غلط کاموں میں جا سکتے ہیں. تو یو نو جہاں پر بھی اسٹوری میں جہاں موقع ملا ہے وہاں پر انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت ایک اسٹرانگ میسیج بھی دینے کی کوشش کی ہے, ایموشنل کنیکٹ بھی بہت ہے, اور جو لو اسٹوری تو مطلب یو ول انجوائے اٹ. ایکچولی گانے تو خیر بہت ہی اچھے ہیں اور اوور آل فلم دیکھنے لائق ہے, صاف ستھری, کہیں سے کچھ ولگیرٹی نہیں, بہت اچھی فلم. دونوں پرانوتر نے بھی بہت اچھا کیا, وہ لڑکا جو دہیر بنا تھا وہ بھی بہت, دونوں کے دونوں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت اچھے ایکٹرز ہیں, بچوں کے ساتھ بہت مزہ آیا, بالکل الگ طرح کی فلم ہے. میسج یہ ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے, جیسے چاڑکیہ نے کہا تھا کہ سروپری ٹیچر ہوتا ہے جو بچے کو بناتا ہے, بچے کو ایک انسان بناتا ہے, ایک اچھا ناگرک بناتا ہے. تو اس میں جو ٹیچنگ کی بات سے بچوں کو جوڑا گیا ہے اور ساتھ میں اس ماحول کو جوڑا گیا ہے, وہ بڑی خوبصورتی سے پرویا ہے. مووی میں آپ کو دو تین میسج ملیں گے, ایک کس طریقے سے لائک ایک بچپن کے بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد دوسرا میسج جو مین میسج ہے جو کلائمیکس آتا ہے وہ میں ریویل نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن جو لوگوں کی تھنکنگ ہے کشمیر کو لے کے, وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو لے کے, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید یہ مووی ان کے اوپر کچھ اثر چھوڑے اور ان کی تھنکنگ شاید اب چینج ہو. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ویکینڈ اس سے اچھی مووی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو سکتی ہے. گائز بہت ہی اچھی مووی ہے, ایک دم آپ بچپن والا پیار, شدت والا پیار آپ کو نظر آئے گا جس میں آپ خود کو کنیکٹ کر پاؤ گے کہیں نہ کہیں, مجھے ایسے لگتا ہے. سو یہ مووی تو مسٹ واچ ہوتی ہے, تو جا کے دیکھیے یہ ویکینڈ اپنے نزدیکی سنیما گھر. میں فلم کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی, مجھے فلم بہت پسند آئی. آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز فلم ایک بار ضرور دیکھیے, میسج بھی ہے فلم میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں, کشمیر کا ایک الگ ہی لیول کا میجک دیکھنے کو ملے گا. تو پلیز 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 فیملی کے ساتھ جائیے اور فلم ضرور دیکھیے. تو میں اس مووی کو 5 میں سے دینا چاہوں گی 3.5 اسٹار, بیکاز مجھے بہت پسند آئی. 5 میں سے 1000 دے دوں میں تو, لیکن 5 میں سے 5 3-4 دے دیجیے. چلیے 3.5-4 اسٹار دوں گا, دیکھا جائے تو 3.5-4 کے بیچ میں دینا. 5 میں سے میں 4 پوائنٹ دینا چاہوں گا, 4 اسٹار دینا چاہوں گا.